I'm not what you think I am. Oh my God! Finally, guys, trailer launch हो गया। और जैसा कि मैं आपको रिसेंट में अपडेट देता जा रहा था कि कैप्टन मार्वल का ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा 2 घंटे के अंदर, और देन इतना समय भी नहीं लगा और गुड मॉर्निंग अमेरिका ने फाइनली ट्रेलर लॉन्च कर दिया। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस रिव्यू में एक छोटी सी चीज कि जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है जो उसका साउंड है, बैकग्राउंड है और कैप्टन मार्वल का जो लुक लाइक और देन रहन सहन दिखाया है और साउंड के हिसाब से मुझे 100% लग रहा है कि ये पिक्चर फ्लैशबैक में है। ये सीधे डायरेक्ट कैप्टन मार्वल को पावर मिली है और निक फ्यूरी इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि तुम एक हीरो हो और हमारे साथ मिल जाओ। उसके बाद इस ट्रेलर का साउंड वगैरह सब देख के मुझे लग रहा है कि ये पिक्चर खतरनाक होगी यार। साउंड ही स्टार्टिंग का इतना खतरनाक, और देन ट्रेलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा ट्रेलर कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और देन आपने क्या फर्स्ट लिख के देखा, मुझे नहीं लगता क्योंकि जब मैंने ट्रेलर पे क्लिक करा था, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन बैठा हुआ था, तो जैसे ही मैंने रीलोड करा इतनी देर में ट्रेलर लॉन्च होती 70,000 लोग ऑलरेडी पहले उस वीडियो पे क्लिक कर चुके थे, तो उम्मीद ही नहीं है कि मैं कैसे फर्स्ट लिख सकता हूँ। और देन अगर आप लिख चुके होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो, मैं ट्रेलर ब्रेकडाउन में जरूर डालूंगा कि हाँ आपने सबसे पहले कैप्टन मार्वल के ट्रेलर पर इंडिया की तरफ से फर्स्ट लिख के दिखाया। देन मैं तो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि 70,000 लोग ऑलरेडी इस ट्रेलर पे क्लिक कर चुके थे। और देन ट्रेलर की बात करें तो बहुत ही फाड़ू, खतरनाक, और बैकग्राउंड साउंड से मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये मूवी काफी खतरनाक है और कैप्टन मार्वल ब्री लैंसर का रोल बहुत ही खतरनाक। देन मुझे लग रहा है कि ये थैनोस की ढंग से बैंड बजा देगी। फाइनली अभी तो ये स्कल से लड़ाई होने वाली है, रोनन से लड़ाई होने वाली है, क्री साम्राज्य से लड़ाई होने वाली है, और इकलौती कैप्टन मार्वल लड़ेगी जो कि काफी पावरफुल दिख रही है इस कैरेक्टर में। भाई मजा आने वाला है, सही बता रहा हूँ। और यार आपका रिव्यू मैं जानना चाहूंगा 100% यार, अपने कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये कैसा लगा, आपका बेस्ट सीन कौन सा था। देन मुझे सबसे बढ़िया सीन लगा ये बुढ़िया वाला, जैसे कैप्टन मार्वल एक ट्रेन के अंदर जाती है और उस बुढ़िया के चेहरे पे एक घूसा देती है, भाई बहुत सीन दहलाने वाला था। और देन एंडिंग का सीन तो काफी कमाल का था, और देन फिल कोल्सन, निक फ्यूरी, और भी सारे कैरेक्टर, और देन मूवी में काफी सारी चीजें छुपाई हैं तो ट्रेलर में सब कुछ रिवील नहीं कर सकते हैं। और देन आप तो जानते हो कि काफी सारा कुछ देखने को है मूवी में, तो जी हाँ अगर मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँ तो मुझे ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया। और देन सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि इस मूवी को एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से कनेक्टेड करेंगे या नहीं, यानी कि मेरा कहने का मतलब है छोटा सा पार्ट, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाना तो इनका जन्मदिन हक है, बट पिक्चर में बीच में दिखाना बहुत बड़ी बात होगी। तो आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन ट्रेलर यार क्या कहूँ, फिर से कहता हूँ मजा आ गया भाई, उड़ा दी कैप्टन मार्वल ने तो सभी एवेंजर्स की। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो, जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पे कैप्टन ब्रिटिश के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो, बाय बाय, जा रहा हूँ और जल्दी ब्रेकडाउन जरूर आएगा। And